रुद्र को रूही को गुस्से में देखकर बहुत प्यार आ रहा था। उसने अपना अंगूठे से रूही के गाल को सहलाया और कहा, सही कहा वाइफी, तुम बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो गई हो, दिल कर रहा है तुम्हें खा जाऊं। ये कहकर रूही की आंखों में देखने लगा। रूही रुद्र की बात सुनकर उसने अपना गलत और कर और बहुत प्यार से बोली, क्या तुम्हें मैं आइसक्रीम दिखती हूँ जो तुम मुझे खाओगे। रुद्र को रूही की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करी और बोला, नहीं वाइफी, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ। रूही डर कर बोली, पर मैं तो इंसान हूँ, तुम इंसान को कैसे खा सकते हो। रुद्रा, वाइफी तुम शायद बोल रही हो, तुम मुझे डेविल कहती हूँ और डेविल तो इंसानों को ही खाते हैं, तो मैं इंसान को ही खाऊंगा ना, लेकिन मुझे कोई भी इंसान इतना टेस्टी नहीं लगता जितना तुम लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। रूही रुद्र की बात सुनकर बहुत डर गई थी। उसको रुद्रा सच में डेविल लग रहा था और उधर की बात सुनकर उसको पूरा विश्वास हो गया, सच में उसे खा जाएगा। वो जल्दी से घबरा कर बोली, देखो तो मुझे मत खाओ, मैं इतनी टेस्टी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई टेस्टी वाला इंसान लेकर आ जाऊंगी, पर तुम मुझे छोड़ दो। रुद्र, नहीं, मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़ने का, तुम्हें खाने का मन हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो, टेस्टी हो, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर रूही रोने की आवाज में बोली, जैसे अभी रो देगी, प्लीज तुम मुझे मत खाओ, मुझे अभी और जीना है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, मुझे छोड़ दो। रूही की बात और उसकी मासूम चेहरा देखकर रुद्र को अपनी हंसी कंट्रोल नहीं, वो खूब जोर जोर से हंसने लगा। रूही ने जैसे ही रुद्र को हंसते देखा, वो जल्दी उठकर बैठ गई और रुद्र को हंसते हुए देखने लगी। एकदम से रूही के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी। रूही, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम बहुत बुरे हो, रुद्र को मारने लगी। रुद्र ने रूही का हाथ पकड़ और बोला, वाइफी तुम पहले से ही बेवकूफ हो, तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। रुद्र की बात सुनकर वही बोल, मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हें कहाँ से बेवकूफ लगती हूँ, तुम हो एक नंबर के बेवकूफ। ये कहकर रूही रुद्र से गुस्सा होकर बैठ गई। रुद्र ने रूही का हाथ पकड़ कर खींच, जिससे रूही रुद्र के गोद में आके बैठ गए। रूही, छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रुद्र, अच्छा सॉरी बाबा, तुम बेवकूफ नहीं हो, मैं हूँ, बस अपना गुस्सा खत्म करो। रूही, नहीं, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, पहले तो तुमने मुझे डराया और फिर मुझे पागल भी बनाया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रुद्र, पर मैंने तुम्हें पागल कहाँ बनाया। रोहित, तुमने अभी मुझसे कहा था ना तुम मुझे खा जाओगे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। रुद्र, पर मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं सच में तुम्हें खाना चाहता हूँ। रूही रुद्र का चेहरा देखकर बोली, क्या तुम्हें मैं खाने की चीज रखती हूँ जो खाना चाहते हो, तो मुझे पागल बनाना बंद करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। रुद्रा रूही का चेहरा पकड़कर बोला, तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हें खाऊं, ठीक है। फिर यह कहकर वो रूही के होठों पर किस करने लगा। रूही रुद्र के किस करने से शोक में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने रूही को छोड़ा और बोला, सच में तुम बहुत टेस्टी हो।